तो न सखी दिलवा के हाल मोरा फोन पा, हमारा चाहे भातार कुछ दिल लोन पा। तो हाँ, अभी गाना चल रहा है देवरा धोड़ी चटना बांध, आर्टिस्ट सुन रहे हैं कि पब्लिक सुन रही है? देखिए रही बात की गाना तो सब किसी, देखिए वो तो दर्शक के हाथ में होता है कि कौन गाना मतलब हिट करना है, कौन गाना फॉलोअप करना है। रही बात एक, जी बोलिए जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सही आप बोले कि दर्शक के ही हाथ में होता है फ्लॉप कराना या हिट कराना। ठीक है, तो जो ढोड़ी चटना है वो दर्शक ही हिट करा रहे हैं। ठीक है, ढोड़ी जनी छिलदा वो दर्शक ही हिट कराए हैं, तो डिपेंड कहीं ना कहीं दर्शक पे पड़ता है। वो लोग ये सुन रहे हैं, उसको हिट करा रहे हैं, पैसा बन रहा है। अब जैसे कि ढोड़ी जनी छील दो वाला जो गाना है उसका, हम जेके पल लानाज पीरितिया से बेटी जन मावल पाप होला का, बेटी जन मावल पाप होला का। लाखों आशिक के दिल ये तो तोड़ा, तुझे कब के तो मैंने छोड़ा। लाखों आशिक के दिल ये तो तोड़ा, तुझे कब के तो मैंने छोड़ा। मेरा महंगा बाजार पैसे वाले हैं यार, मेरा महंगा बाजार पैसे वाले हैं यार, नोटों की गड्डी बरसती है। तो यहाँ से प्रमोद जी का है, दिल तोड़ के हंसती है। तो वही है नजरिया, पब्लिक वही बोलती है भीड़ में कि अरे अश्लील मुक्त हो बिहार, अश्लील मुक्त हो हमारा देश, लेकिन कोने में बैठ के लीड लगा। नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यंग चंपारण न्यूज में। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपर स्टार गायक ब्यूटी पांडे जी है, और आइए इनसे भोजपुरी इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे और खास करके अश्लीलता पे भी इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है जी। सबसे पहले यंग चंपारण न्यूज़ के जितने भी दर्शक गण हैं आप सबको तहे दिल से मैं ब्यूटी पांडे की तरफ से नमस्कार प्रणाम। अच्छा, आपका गाना एक आया था ये भतार चाहिए लोन पे, ये करके गाना आया था, एक और आपका गाना आया था जो सोन चिड़िया वाले, तो उसके बाद में इसके पहले भी एक और आपका गाना आया था जो मतलब अश्लीलता ही मतलब, तो आखिर अश्लीलता पे क्या विचार है आप सभी का? सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, हमेशा से कलाकार को बोला जाता है कि कलाकार अश्लील होते हैं, कलाकार अश्लील होते हैं। मैंने भी कुछ गाने गाए हैं, ठीक है, शुरू में तो जब मैं इस लाइन में आई थी तो थोड़ी छोटी थी, मुझे उतना समझ नहीं था, जो जैसे कर रहा था वैसे मैं भी बह रही थी, जैसे कि होता है सब जैसे कर रहे हैं वैसे, बचपन में उतना समझ में नहीं आता इंसान को। और मैं बाउंड थी, एग्रीमेंट था मेरा गंगा से, तो बाउंड जब हम रहते हैं तो कंपनी जैसे डिमांड करती है वैसे प्रोजेक्ट हमें करना होता है। तो जब मैं बाउंड थी तो कंपनी बोलती थी कि हमें आइटम सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा टाइप का सॉन्ग चाहिए, तो मैंने किया। जब मेरा बाउंड ख़त्म हुआ तो मैं खुद के ऊपर आई, तो फिर खुद के ऊपर आई तो मैं जैसा करना चाह रही थी, जैसे पब्लिक को परोसना चाह रही थी वैसे मैंने परोसा। और अभी आप देख सकते हैं मेरे ऑफिशियल चैनल पे एक भी वल्गर सॉन्ग हो तो फिर बोलिएगा। तो रही अश्लीलता की बात, तो आप मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारा गाना है, हाँ अभी गाना चल रहा है देवरा धोड़ी चटना बांध, आर्टिस्ट सुन रहे हैं कि पब्लिक सुन रही है? देखिए रही बात की गाना तो सब किसी, देखिए वो तो दर्शक के हाथ में होता है कि कौन गाना मतलब हिट करना है, कौन गाना फॉलोअप करना है। रही बात एक, जी बोलिए जी, मैं ये बोल रही हूँ कि सही आप बोले कि दर्शक के ही हाथ में होता है फ्लॉप कराना या हिट कराना। ठीक है, तो जो ढोड़ी चटना है वो दर्शक ही हिट करा रहे हैं। ठीक है, ढोड़ी जनी छिलदा वो दर्शक ही हिट कराए हैं, तो डिपेंड कहीं ना कहीं दर्शक पे पड़ता है। वो लोग ये सुन रहे हैं, उसको हिट करा रहे हैं, पैसा बन रहा है। अब जैसे कि ढोड़ी जनी छिलदा वाला जो गाना है उसका भी मतलब कि इतना सारा गया। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए एक बात बताइए कि यदि सिंगर अगर वैसा गाना नहीं गाएंगे तो फिर दर्शक क्या सुनेंगे? मैं गा रही हूँ वैसा गाना। एक मिनट सुनिए, आप लोकगीत जो भी गाई है तो उसका व्यू आपका नहीं गया होगा, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, लेकिन जब अश्लील गाना अगर प्रत्येक जो भी सिंगर है अगर अश्लील गाना नहीं गाएंगे, अगर मतलब साफ सुथरा गाना गाएंगे, पारंपरिक गाना गाएंगे जो फैमिली में बैठकर सुने, तो शायद चाह करके भी दर्शक उस गाने का डिमांड करेंगे और वो गाना सुनेंगे। लेकिन यदि सिंगर अगर अश्लील गाना पड़ोसेंगे इंडस्ट्रीज में
तो शायद कहीं ना तो कहीं दर्शक गाना सुन भी करेंगे। रोज देखिए, रोज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं भी तो 1000 सॉन्ग से ज़्यादा रिलीज होते हैं, और जो गाना जितना अश्लील होता है उतना ही पब्लिक उसको ट्रेंड पे ले जाती है, ठीक है। हर रोज़ सैकड़ों सैड सॉन्ग, सैकड़ों लव सॉन्ग रिलीज हो रहा है। हाल फिलहाल में बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग और लव सॉन्ग, मैंने भी बहुत सारे सैड सॉन्ग लव सॉन्ग गाए। जब मैंने भी थोड़ा आइटम सॉन्ग में जब गाती थी तो मेरा 1 day 1 million टू 2 million जाता था। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट, आपके गाने से मतलब कहीं नहीं तो कहीं गलती मतलब दर्शक की है? डेफिनेटली दर्शक की ही है, गलती दर्शक की ही है, इसको आप माने से नहीं माने, आपके ऊपर है कि आप क्या सुनना क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों का गलती नहीं है? मैं मानती हूँ कि कुछ आर्टिस्ट क्यों है, क्योंकि वो लोग पैसे के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, उनकी भी गलती है, लेकिन वो पैसे देख रहे हैं कि हम कमाएं, क्योंकि हमारा वो रोजी रोटी है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि दर्शक उस चीज़ को ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं, वो ज़्यादा सुन रहे हैं, उनसे उनको ज़्यादा इनकम हो रहा है। आप नॉर्मल सुनिए, सारा आर्टिस्ट वहीं करेंगे। चलिए, मान लीजिए कि कहीं नहीं तो कहीं दर्शक का भी गलती है, लेकिन हालांकि सिंगर का भी गलती है, यदि सिंगर ऐसा गाना नहीं गाएंगे तो दर्शक भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो गाना आया था वो मतलब वायरल गाना था, मतलब भतार चाहे लून पे सही करके गाना था, ओ दो लाइन जरा सुना दीजिए हमारे दर्शक को सब। ओके, बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये गाना जैसे कि आपने कहा ये आइटम सॉन्ग है, और इस टाइम ये 5 crore से प्लस है सॉन्ग, और अच्छा खासा बजा था, और बहुत ही लोग कॉपी भी किए इस सॉन्ग को। सो इसका लाइन था, सोना सखी दिलवा के हल मोरा फोन पा, हमारा चाही भातार कुछ दिला लोन पा। तो यही सॉन्ग था, और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला जो लोग ऑर्केस्ट्रा सुनने वाले लोग हैं। अच्छा, ये गाना आपका मतलब 5 crore चला था? हाँ, लेकिन आपका कोई एक लोक गीत जो है मतलब पारंपरिक जो हाँ। फैमिली में बैठकर मतलब उसको मैंने सुना जा सके? दहेज प्रथा, आप YouTube पे सर्च करेंगे सोन चिरैया जी, और तो कोई आपका लोक गीत जो होगा वो जरा सुनाइए। ओके, जैसे कि मैं सोन चिरैया का एक लाइन गुनगुनाना चाह रही हूँ। कैसे कहे बाबूजी का हाल बतोहर बिटिया के, दुख दर्द सहेली कतना हम, जेके पल लानाज पीरितिया से, बेटी जन मावल पाप होला का, बेटी जन मावल पाप होला का। और इस सॉन्ग को पब्लिक बहुत सारा प्यार दुलार दिए हैं। ये आपका व्यू कितना गया था इस गाने का? इस गाने का अभी तो 3 lakh है। 3 lakh ऐसा है? हाँ, और ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आप ना रो दे ऐसा हो नहीं सकता है। ये गारंटी है कि जो भी पब्लिक है अगर ये वीडियो देखे और ना रो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वही है नजरिया, पब्लिक वही बोलती है भीड़ में कि अरे अश्लील मुक्त हो बिहार, अश्लील मुक्त हो हमारा देश, लेकिन कोने में बैठ के लीड लगा के वही सुनती है। बात सही है, मतलब ये सच्चाई है। अच्छा, अभी आप मतलब कौन कौन से सिंगर के साथ आपका गाना आ गया है? जी, मेरा प्रमोद प्रेमी जी के साथ आ गया है, और टुनटुन लाल यादव जी के साथ आ गया है, और भी कुछ सिंगर है जिनके साथ आने वाला है, तो धमाका होगा तब बताऊंगी। अभी आगे क्या करने का प्लान है? आगे मेरा बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी आ रहा है, रेप पे स्टोरी आ रहा है, एक लव सॉन्ग का पूरा फुल स्टोरी, हम लोग जैसे मूवीज टाइप है, बहुत ही प्यारा है, जो कि आने वाला है, और धमाका जारी रहेगा। अच्छा, बहुत कम टाइम मिलता है। सो अच्छा, प्रमोद प्रेमी जी के साथ आपका कौन सा गाना है? दिल तोड़ के हंसती है। हाँ, थोड़ा और भी दो लाइन सुना दीजिए। ओके, लाखों आशिक के दिल ये तो तोड़ा, तुझे कब के तो मैंने छोड़ा, लाखों आशिक के दिल ये तो तोड़ा, तुझे कब के तो मैंने छोड़ा, मेरा महंगा बाजार पैसे वाले हैं यार, मेरा महंगा बाजार पैसे वाले हैं यार, नोटों की गड्डी बरसती है। तो यहाँ से प्रमोद जी का है, दिल तोड़ के हंसती है।